आपको लड़का कैसा चाहिए, मतलब जीवन साथी कैसा चाहिए, पढ़ा लिखा होना जरूरी है या फिर कोई मध्यम वर्गीय मिडिल क्लास का परिवार का रहेगा? चलिए, जिला आपका क्या है, किस जिले का रिश्ता आपको चाहिए, आपका जिला क्या है, पंजाब? जो रिश्ता आपको चाहिए ये बनारस का ही होना चाहिए या फिर लखनऊ का, बिहार का, या फिर दिल्ली वगैरह का भी कहीं का रिश्ता आपको बनना मिल जाए? नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सारे लोग एकदम। दोस्तों, आज आप सभी लोगों के बीच में उपस्थित एकदम नई प्रोफाइल लेकर, जिसकी पिछले काफी समय से आप रिक्वायरमेंट कर रहे थे कि रवि सर कोई जो गांव घर देहात का रिश्ता होता है, कृपया उसके बारे में आप सुना, एक बढ़िया सा खूबसूरत सा रिश्ता ढूंढ के लेकर मैम से मैं आपकी बातचीत भी करवा देता हूँ, और प्लस यहाँ का वातावरण नेचर क्या है और किस लोकेशन पाए हैं, मैम की जो जानकारी वो भी आपको इस वीडियो में मैं साझा करूंगा, प्लस उनकी रिक्वायरमेंट क्या है वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में साझा करूंगा। तो कैमरामैन भाई साहब, हम चाहेंगे कि आप कृपया आइए साथ में, जो वास्तविकता है उन सारी सभी चीजों का आप वीडियो के दौरान एक रिकॉर्डिंग करने के बाद दिखाइए, ताकि हाँ ठीक है, इस प्रकार के रिश्ते के बारे में काफी समय से डिमांड कर रहे थे, मतलब विश्वास नहीं है, बेहतर जीवन साथी की जो तलाश है वो कम्प्लीट हो सके, तो चाहेंगे दिखाने के लिए जो हमारे यूपी बिहार किसान होती है भैंसिया, उसको भी आप दिखाइए, ताकि लोग सोचते हैं कि रवि भैया जो आप रिश्ते दिखाते हैं वो सब कल आजकल काफी ज्यादा हाई सोसाइटी के दिखाते हैं या फिर बढ़िया लोकेशन से आप अच्छे घर दिखाते हैं, तो भाई साहब ऐसी कोई भी बात नहीं है, ये भी आप देख सकते हैं कि नॉर्मल जो मध्यम वर्गीय मिडिल क्लास परिवार का जो घर होता है या गांव होता है, ये बिल्कुल परफेक्ट वैसा ही है जैसा कहीं ना कहीं आप भी एक अगर मध्यम वर्गीय मिडिल। सो दोस्तों, आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं मैम से, जो आपने बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप तक साझा करने वाली हैं। तो कैमरामैन भाई साहब, चाहेंगे आप थोड़ा पास में आइए। मैम, सबसे पहले नमस्कार आपको। नमस्कार जी। आपने जितनी बातें या जो अपनी जानकारी हमें साझा किए थे, ठीक है, प्लस जिस भी प्रकार का आपको शादी विवाह के लिए रिश्ते चाहिए, वो सारी बातें आप एक बार वापस हमें बता सके, बता दीजिए, ताकि हम एक वीडियो के माध्यम से आपके लिए जो बेहतर जीवन साथी की जो तलाश उसको कंप्लीट कर सके। देखिए, अगर आप सिर्फ पर्सनल हमसे साझा किए हैं तो फिर वो कहीं ना कहीं एक उसका लिमिटेशन होता है, एक दायरा होता है, आपने हमसे जिक्र किया था, हम हो सकता है चार लोगों से जिक्र करें, लेकिन अगर आपकी जो जानकारी इंफॉर्मेशन है अगर ये हम वीडियो ग्रुप में साझा कर रहे हैं तो आपको एक बेहतर जो जीवन साथी का चयन करने में काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि फिर आपके पास ऑप्शन ज्यादा रहेंगे ना। पर्सनल आपने जानकारी जो साझा किया तो उसके माध्यम से हो सकता है हम आपको 10-20 रिश्ते सिर्फ दिखा सके, लेकिन अभी जो वीडियो के माध्यम से आपके पास हजारों रिश्ते आ सकते हैं, उसमें से जो आपको एक बेस्ट जीवन साथी लगेगा, जो आपकी पूरी जरूरत को या पूरी मतलब जरूरत के हिसाब से जो भी आपको पढ़ाई लिखाई शिक्षा जिस भी टाइप का चाहिए, उससे आपको एक मतलब बेहतर जीवन साथी की तलाश करने में, बाकी की जो जानकारी है वो कहीं ना कहीं हम मैम के ही माध्यम से आप सभी लोगों तक चाह रहे हैं कि साझा हो। तो मैम, सबसे पहले आप अपने नाम के बारे में बताइए कि आपका क्या नाम है। जी, मेरा नाम है रानी। आपका नाम रानी। उम्र आपकी क्या है मैम? 25 साल के आसपास में जी। और आपकी धर्म तो आपका हिंदू है, ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन आपकी कास्ट या बिरादरी या समुदाय परिवार क्या है? यादव परिवार से है जी। ठीक है, आपने आपके भाई साहब ने तो हमें पूरी जानकारी आपकी पूरी साझा की है आपके रिश्ते के बारे में, आपकी प्रोफाइल भी हमारे पास आई हुई है जी। लेकिन फिर भी एक बार चाहेंगे कि कृपया आप वीडियो के माध्यम से आप जो आपकी जो जानकारी है वो एक बार आप साझा कर दीजिए, ताकि आपके लिए जो बेहतर जीवन साथी की तलाश है वो हम ढूंढने में आपकी मदद कर सके। और आप एक बार थोड़ा अपने परिवार के बारे में बता दीजिए कि जैसे आप कितने भाई बहन हैं? जी, मेरे मम्मी पापा हैं, दो बहन हैं हम लोग जी, और दो भाई हैं। दो भाई हैं जी। अच्छा, जो संपर्क हुआ था वो बड़े भाई साहब के माध्यम से हुआ था आपके? जी। ठीक है, उन्होंने जैसे बताया कि आपको जो जीवन साथी की तलाश है उसमें व्यक्ति कोई बहुत मतलब पढ़ा लिखा ऐसा कुछ होने की जरूरत नहीं है, और बता दीजिए कहाँ तक पढ़ाई लिखाई आपकी हुई है? जी, हाई स्कूल पढ़े हैं। हाई स्कूल तक पढ़े जी। आपको लड़का कैसा चाहिए, मतलब जीवन साथी कैसा चाहिए, पढ़ा लिखा होना जरूरी है या फिर कोई मध्यम वर्गीय मिडिल क्लास का भी परिवार का रहेगा चलेगा, सरकारी जॉब या ऐसा कुछ धंधा बिजनेस वाला? देखिए, लड़का थोड़ा बहुत पढ़ा रहेगा चलेगा, मतलब दारू गाजा वाला ना हो, मतलब जैसे कि हमको अच्छे से रखे, हमको सुखी रखे, कम खिलाएगा चलेगा।
लेकिन हमको अच्छा से परिवार चाहिए, मतलब परिवारदार चाहिए, हमको अच्छे से रखे, सुखी रखे, बस वही परिवार चाहिए हमको। धन दौलत हो या फिर वगैरह वगैरह पैसे से हमको इन सबकी जरूरत नहीं है। ठीक है मैम, आपकी सारी बातों को कहीं कहीं हम समझ भी रहे हैं। ठीक है, आपको एक सिंपल साधारण सा परिवार चाहिए, व्यक्ति पास ना ही कोई बहुत अच्छी एजुकेशन रहेगी तो भी काम चल जाएगा, उनके पास जरूरी नहीं कि करोड़ों या लाखों की संपत्ति होना चाहिए। व्यक्ति ऐसा जीवन साथी आपको चाहिए जो बढ़िया से आपका मान सम्मान कर सके, आपको कमा खिला के मान सम्मान के साथ में रख सके और किसी प्रकार का नशा वगैरह नहीं करता हो, कोई नशा पाती ना करे, कोई मतलब अच्छे से हमको खिलाए, अच्छे से रखे, बस हमको यही लड़का चाहिए। ओके ठीक है, और जिला आपका क्या है मैम, किस जिले का रिश्ता आपको चाहिए, आपका जिला क्या है, पहले आप अपने जिले के बारे में बता दीजिए। मेरा जिला है बनारस के। गांव कौन सा बनारस में? जी पांडेपुर। ओके ठीक है, तो जो रिश्ता आपको चाहिए ये बनारस का ही होना चाहिए या फिर लखनऊ का, बिहार का, या फिर दिल्ली वगैरह का भी कहीं का रिश्ता आपको बढ़िया मिल जाए? बढ़िया रहना चाहिए अपने बनारस के आस पास के, हमारे मतलब जिला बनारस की रहना चाहिए। ओके, हमको ज्यादा दूर का नहीं जरूरत है, अच्छा लड़का रहे, अपने ही आस पास का रहे। ठीक है दोस्तों, जो बाकी की जो मैम की जानकारी है वो कहीं कहीं हम आपको एक पीडीएफ को माध्यम से या फिर बायोडाटा के माध्यम से स्क्रीन पर साझा कर देंगे, जहां आप बाकी की इन्फॉर्मेशन जो है वो देख सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ लिख सकते हैं। यदि किसी भी प्रकार की कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम्स होगी तो नीचे आपको एक हमारे ऑफिस का कॉन्टैक्ट नंबर दिखाई दे रहा है, इस पर आप सुबह के 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे के बीच में कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। और मैम जो अभी फिलहाल आपको इन्फॉर्मेशन दी है, एक्चुअली क्या होता है कि दोस्तों जो लोग कंटिन्यू कैमरे के सामने वर्क करते हैं उनको बोलने या फिर बातचीत करने में, ऐतराज करने में किसी प्रकार की कुछ प्रॉब्लम्स नहीं होती, लेकिन जब भी कोई व्यक्ति फर्स्ट टाइम कैमरे के सामने आता है तो कहीं कहीं मन के अंदर जो विचार होते हैं फिर जो शब्दों में डिफरेंसता होती है वो साफ स्पष्ट आपको मैम के भी साथ में नजर आ रही होगी। इसलिए अभी मैम से हम जो बाकी की जो जानकारी है वो कलेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम आपको डायरेक्ट स्क्रीन पर शो कर देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा आदमी अनकंफर्टेबल होता है बातचीत करने में। एक डायरेक्टली जो आदमी फेस टू फेस बात करता है बोलेगा, लेकिन कैमरे के सामने हम देख रहे हैं पिछले काफी समय से आप स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं। बाकी की जो जानकारी आपके भाई साहब ने दिया था वो हम एक बायोडाटा फॉर्मेट में आप सभी लोगों के सामने प्रदर्शित कर देते हैं। यदि आप में से किसी भी व्यक्ति को शादी विवाह के रिश्ते के बारे में मैम से डायरेक्टली करना है, बातचीत करना है, तो दिए गए नीचे कॉन्टेक्ट जो नंबर है उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। या इस प्रकार के और आपको रिश्ते चाहिए गांव घर देहात के, इस प्रकार के और आपको जीवन साथी की तलाश है या रिश्ते की तलाश है, तो डेफिनेटली आप हमारे जो ब्रांच है वहां पे भी आके कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर जो नीचे आपको हमारे ऑफिस का कांटेक्ट नंबर दिया है इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि आप हमारी इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं, कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप ऑल पे सेट करके रख लीजिए। फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को या चैनल को जरूर फॉलो कर लीजिए। थैंक यू सो मच।